રાજ્યના શિક્ષણ મંત્રી જીતુભાઈ વાઘાણીના મત વિસ્તારની જ બે શાળાઓની મુલાકાત લઈ દિલ્હીના ઉપમુખ્યમંત્રી મનીષભાઈ સિસોદિયા દ્વારા ગુજરાતની તમામ શાળાઓનું આંકલન કરવામાં આવ્યું। છેલ્લા થોડા દિવસોથી ગુજરાત રાજ્યના શિક્ષણ મંત્રી જીતુભાઈ વાઘાણી અને દિલ્હીના ઉપમુખ્યમંત્રી મનીષભાઈ સિસોદિયા વચ્ચે શાળાઓના મોડલ અને શિક્ષણ બાબતે શાબ્દિક પ્રહારો થઈ રહ્યા છે, જેના પગલે દિલ્હીના ઉપમુખ્યમંત્રી મનીષભાઈ સિસોદિયાએ ગુજરાતના શિક્ષણ મંત્રી જીતુભાઈ વાઘાણીના મત વિસ્તારની માત્ર બે શાળાઓની મુલાકાત લઈ સમગ્ર ગુજરાતના શિક્ષણ મોડલ અને શિક્ષણ કાર્યનું કેમ આંકલન કર્યું તે તમે જાણો। જ્યારે દિલ્હીમાં માત્ર 4500 શાળાઓ છે અને ગુજરાતમાં 40000 શાળાઓ આવેલી છે, જેમાંની બે શાળાઓની દિલ્હીના ઉપમુખ્યમંત્રીને આપના કાર્યકર્તાઓએ બતાવી, જો ભાવનગરની અન્ય મોડલ શાળાઓને પણ સમાવેશ કર્યો હોત તો આ ગુજરાત અને દિલ્હી વચ્ચેનો તફાવત સમજી શકાત। मनीष भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मनीष भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सुजन भाई तुम आगे बढ़ो, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सर मजे की बात ये है कि ये जो ये बोर्ड है वो स्पॉन्सर्ड है, ये दोनों स्पॉन्सर्ड है, मतलब वो सर ये जो है उसका नाम है टेली करो योजना बनती है। ये देखिए गुजरात के शिक्षा मंत्री के गढ़ में भावनगर में सरकारी स्कूल ऐसा है जो ये पानी भर है, वाटर कूलर भी आया होगा 10 साल पहले सारे ये पानी घर है, यहाँ पे लिखते हैं ये पानी घर है। ये गुजरात के शिक्षा मंत्री का विधानसभा क्षेत्र મીડિયા ને હોય પડે બીજું કઈ નહીં।
થોડુંક પાછળ મીડિયા મિત્રો થોડુંક પાછળ વાજોડે આવો થોડી જગ્યા કરો થોડીક જગ્યા કરો 6-6 घंटे गुजरात के स्कूल देखने के लिए आया कि 27 साल में भारतीय जनता पार्टी ने कैसे स्कूल बनाए, तो मुझे लगा कि शिक्षा मंत्री के अपने शहर से बेहतर जगह क्या हो सकती है गुजरात के स्कूल देखने के लिए, इसलिए मैं इतनी दूर चल के भावनगर पहुंचा। पर यहां आके पता चला कि भावनगर के स्कूल एकदम टूटे फूटे सड़ा के रखे हुए हैं शिक्षा मंत्री जी ने। पता नहीं उनको कभी मौका मिला है कि नहीं मिला अपने स्कूलों में घूमने का। अगर वो इन स्कूलों में घूम जाएँ, अभी जिस स्कूल में मैं बैठ कर आपसे बात कर रहा हूँ ये भावनगर का स्कूल है, शिक्षा मंत्री जी इसी शहर से हैं, अगर वो खुद इस स्कूल में घूम जाएं तो रात को नींद नहीं आएगी ऐसे सड़े हुए स्कूल देख के। ये स्कूल का एक कमरा ऐसा नहीं है जहां मोटे मोटे मकड़ी के खूब सारे जाले न लगे हों। वॉशरूम अगर मिल जाए, टॉयलेट मिल जाए, 7-7 घंटे के लिए टीचर्स आते हैं, महिलाएं टीचर्स आती हैं, आप 7 घंटे टीचर को इतने सड़े हुए स्कूल में रखते हो जहां एक टॉयलेट तक नहीं है, पीने का पानी नहीं है, 7 घंटे छोटे छोटे बच्चे बच्चियों को बुलाते हो जहां एक पीने का पानी टॉयलेट तक नहीं है, इतने सड़े हुए स्कूलों में मकड़ी के जाले, बीमारी के बीमार होने के लिए बुला रहे हो या पढ़ाने के लिए बुला रहे हो। मैंने यहाँ पे आके कुछ स्कूल देखे और मुझे बहुत दुख हुआ कि 27 साल में भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में पेरेंट्स के साथ मजाक किया है स्कूल बनवाने के नाम पे, स्कूल देने के नाम पे। कहीं कोई एक पत्थर लगा दिया, कहीं किसी कमरे में एक स्मार्ट बोर्ड टांग दिया, लेकिन पूरे स्कूल देखो ना, कौन आदमी यहाँ अपने बच्चों को भेजना चाहेगा इस तरह के स्कूलों में। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा मैसेज है गुजरात की जनता के लिए भी। जब शिक्षा मंत्री जी के सामने ये सवाल आया कि गुजरात के स्कूल सड़े हुए क्यों हैं, ख़राब क्यों हैं, तो उन्होंने कहा कि गुजरात के स्कूल हमने जितने करने थे ठीक कर दिए, इससे अच्छे जिसको स्कूल चाहिए वो दिल्ली चला जाए। तो अब गुजरात के लोग दिल्ली में जिसने स्कूल किए हैं उसी को गुजरात बुलाएंगे, आप देखिएगा। ये तो सैंपल है, फिर यही क्यों, ये इतना सड़ा हुआ क्यों है? दूसरा स्कूल गया, वहाँ भी सारे में जाले लगे हुए, उनको पता चल गया मैं आ रहा हूँ तो एक स्मार्ट बोर्ड टांग दिया, थोड़ा पोछा लगाने की कोशिश की वहाँ भी। तो मैं तो शिक्षा मंत्री जी के इलाके में आया हूँ, शिक्षा मंत्री जी के इलाके में तो एक एक स्कूल चमकते हुए हो सकता था और उनको पता था 2 दिन बाद हो रहा है। तो यहाँ इतने बुरी हालत है, वो बता दें फिर कहाँ कहाँ उनके स्कूल अच्छे हैं, मैं वहाँ भी चला जाऊँगा देखने के लिए।